नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। रांची जिले के सुप्रसिद्ध तमासीन जलप्रपात में सेल्फी लेने के दौरान डूबे युवक का शव 10 दिनों के बाद सोमवार को बड़ी दह में तैरता हुआ मिला। शव को तैरते हुए स्थानीय चरवाहों ने देखा और इसकी जानकारी समिति के सदस्यों को दी। समिति के सदस्य व राजपुर थाना प्रभारी मुकेश कुमार दलबल के साथ तमासीन के लिए रवाना हो चुके हैं। मृतक युवक के परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है। युवक का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। बताते चले कि 1 जनवरी को हजीराबाग के सुल्ताना गांव निवासी मोहम्मद ताहिर के 27 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तफसुल अपने दोस्तों के साथ तमासीन जलप्रपात पिकनिक मनाने आया था। इसी दौरान सेल्फी लेने के चक्कर में वह पैर फिसल जाने के कारण बड़ी दह में गिर गया। गिरने की जानकारी युवक के साथ आए लोगों ने परिजनों को दी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन व गोताखोर की टीम शव को ढूंढने के लगातार प्रयासरत थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और बाद में रांची से एनडीआरएफ की टीम आकर पहुंची, जो लगातार करीब 2 दिनों तक युवक के शव को ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रही थी। बावजूद इसके उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया। एनडीआरएफ की टीम भी बैरंग वापस लौट गए। इस तरह 5 दिनों तक जिला प्रशासन व स्थानीय समिति के सहयोग से युवक के शव को ढूंढने का कार्य जारी रहा था। थक हार कर परिजन व एनडीआरएफ की टीम वापस चली गई थी। परिजन अपने सारे धैर्य खो चुके थे, परंतु 10 दिनों बाद उसी बड़ी देह में युवक का शव तैरता हुआ देखा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टॉप इंडिया। नमस्कार।